media friends. Today's press conference is regarding clarification of allegation leveled against me by the Arunachal Pradesh Congress Party. I am here to clarify that I have no involvement in the Trans-Arunachal Highway compensation issue from Putin to Bopi in Lower Subansiri district and Kamlu district of Arunachal Pradesh. The allegations against me are baseless without having any facts and evidence. My name or family members are not even in the beneficiary list of Trans-Arunachal Highway compensation from Bopi to Putin to Bopi. The Arunachal Pradesh Congress Committee press statement on 5th July 2018 was just an attempt to tarnish my hard-earned image. The Arunachal Pradesh Congress Committee should withdraw the statement made against me, otherwise I will file a defamation case within a week. किसके साथ में डिस्कशन मैंने उसमें एक्चुअली पहले जो ट्रांस अरुणाचल हाईवे का जो रेट जो है बहुत हाई था तो उसमें 289 करोड़ का ये था ये कंपनसेशन अमाउंट था उसको कंपनी नहीं होने से ये पेमेंट नहीं आएगा इसीलिए उसको ये 100 करोड़ जो है लेस करके दिया है ये सब पब्लिक एग्री करके भेजा है उसमें कोई सर उसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है नहीं कोई गड़बड़ होने का जगह है ही नहीं है उसमें ये तो कम्प्लीटली बेसलेस है वो सब ये नहीं ये नहीं है वो मीटिंग करने के बाद ही आया इमरजेंसी में वो जाके आया तो उसको 100 माइनस करके ये क्या मैंने एग्जेजरेटेड बिल हो गया बोल के वो कमटी करके दिया था हाँ एकदम 100% वेलकम करता हूँ ये तो होना चाहिए ये पब्लिक का अमाउंट को तो अच्छा से डिस्पर्स करना चाहिए सर पहले ये इशू को पहले से चल रहा है जब आपका अगेंस्ट में एलिगेशन आया तभी आप रिएक्ट कर रहे हैं उससे पहले आपका मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता कि ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है तो आप पूरा अपना तरफ से स्टेटमेंट दें ना इसीलिए तो हम भी कोशिश किया ताकि साहब से ये 0 MLA और याचुली MLA से तीनों बैठ करके DC के साथ में बैठ करके ये मीटिंग करके ये सब करने का लेकिन अभी कब उन लोग पेमेंट कर रहा है कैसे कर रहा है समझ में नहीं आया तो हम अकेला बोलने में तकलीफ हो गया बीच में मेरा डिस्ट्रिक्ट जो अलग हो गया तो इसी में हमारा ये हो गया और इसी में मेरा डिस्ट्रिक्ट को पहले पेमेंट हुआ है उन लोग इसीलिए हम ये लॉर्ड्स मोहन सिटी में हम फिर आने नहीं सका कंपेंसेशन क्या प्रॉब्लम तो बहुत है प्रॉब्लम तो कोई लोग नहीं मिला बोल रहा है कोई ये मिला है बोल रहा है कमटी मिला है बोल के बोल रहा है ना ये तो हम मालूम नहीं है ये को पेमेंट करता है कैसे करता है पता नहीं है क्योंकि हम तो पूरा ये डिस्ट्रिक्ट ये सब में इशू में पूरा बिजी रहता है तो सर आपको पता है कि किसी को ज़्यादा मिला किसी को कम मिला तो आप कंसर्न ऑथोरिटी जो डिस्बर्स करता है पेमेंट को उससे आप कभी बात करेंगे ना उसको तो बात करके भी देखा है क्योंकि ऑलरेडी पेमेंट हो चुका तो उसका उन लोग हमको ये कंपनी ज़्यादा मिला बोल के तो ये सब बताता नहीं है और जो रिमेनिंग अमाउंट को हम भी DC को भी बोला था हमारा न्यू DC को सौंपने से ठीक है सर ये जो कांग्रेस का जो असेसमेंट कमेटी है उनका ये कहना है कि जो अभी 3 लोग गिरफ्तार हुआ है दे आर इन कस्टडी तो उनका ये कहना है कि जो 3 MLAs इंक्लूडिंग यू शुड बी आल्सो सस्पेंडेड एंड
नहीं, ये तो बेच ले जाओ, जिसका ये नहीं है उसको क्या ये करेगा, वो तो सबूत के साथ करना पड़ेगा ना। सर वो उनका बड़ा डिमांड है ये था कि मतलब व्हाई ओनली मतलब ये ऑफिसर्स लोग ये अरेस्ट करें, बाद में ये तो इन्वेस्टिगेशन होगा, वो आप लोग जानते हैं ये इन कोर्स ऑफ ये इन्वेस्टिगेशन तो कुछ ना कुछ तो क्लू निकालेगा। तो वो तो होना चाहिए, जो ये प्रोड ये करेगा तो होना चाहिए। And sir, regarding this case, अगर ये CBI intervention होना है आप लोग का मतलब ये case को लेके, हाँ ठीक है, हम उसको भी ये accept करता है। CBI, हाँ हाँ जो भी है।